नाम शंकर, कसूर खून, सजा 14 बरस, नंबर 103, इसको 13 नंबर सेल में ले जाओ। क्यों शंकर, आ गई ना दीदी की चिट्ठी? हाँ हवलदार, आज ही आई। लिखती है छोटे की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए चिट्ठी भेजने में देर। मैं तो पहले ही कह रहा था, तू जरा सी देर होती है तो इतना घबरा जाता है। बहन को बहुत चाहता है ना शंकर? हवलदार, बहन के सिवा मेरा है ही कौन? तू बड़ा भाग्यवान है रे, तेरे ऐसे खूनी की बहन को देवता समान पति मिला। वो बेचारी अपने घर में सुखी। हाँ हवलदार, भगवान मिलने की कोई आस नहीं, फिर भी लिखती है, बच्चों को बहलाती रहती है। मामा परदेश गया है, मामा काम पर गया है, मामा बहुत जल्द आएगा, मामा क्या आएगा। निराश काहे को होता है, भगवान जाने किसके नसीब में क्या लिखा है। तू तो इतना उजाला उनके लिए होता है जिनकी जिंदगी में अंधेरा होता है, और मैं तो यहां आने से पहले ही अंधेरा खत्म कराया। तू तो पगला है पगला, जा सो जा। Thank you.
अरे शंकर, 11 बज गए, चलोगे नहीं? यार दीदी करा देता हूँ, आयुष के साथ जाता हूँ। अच्छा मैं जा रहा। ओके। अरे शंकर, वो आ रही तुम्हारी दीदी। अच्छा, ओके, बाय बाय। नमस्ते दीदी, नमस्ते। क्या तालीम साथ है अपनी नगरीन की, हैं? इन्हीं अदाओं ने तुम्हारा रखा है। अरे हाँ शकुंतला, वो लाइब्रेरी की किताबें नहीं वापस कर दी? और लोगों को भी तो चाहिए ना। जैसे मुझे कुछ नोट लेनी है इसलिए वापस नहीं कर। अच्छा तो जल्दी वापस कर दो। हाय यार राजू, ये अपने काबू आ जाए तो बस क्या बात है। मुजरिम की कम उम्री और जिन हालात में ये खून हुआ है उनको नजर में रखते हुए अदालत जेरे दफा 302 मुलजिम के 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा तजवीज करती है। चलो शंकर, सुबह हो गई, जेलर साहब ने तुम्हें बुलाया है। शंकर बैठो ना, मैं तुमसे कह रहा हूं। बैठो बैठो। लो सिगरेट पियो। जी पियो ना। जी नहीं। अच्छा, ये तुम्हारी दीदी की तस्वीर है ना? जी हाँ। इसके अलावा और कौन कौन है तुम्हारा? एक छोटी बहन है और ये सब बाकी जो है मैंने देखा नहीं।
देखने को जी तो चाहता होगा शंकर, लेकिन ख्वाब देखने से फायदा क्या है? ख्वाब कभी कभी सच्चे भी हो जाते हैं शंकर। तुम तो जानते हो मैं चाहता था कि मेरे रिटायर होने से पहले तुम्हारी बाकी की सजा माफ हो जाए, और इसके लिए मैंने सिफारिश भी की थी। तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मेरी सिफारिश मंजूर हो गई। अब मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं, तुम आजाद हो शंकर। ये क्या, क्या तुम अपनी रिहाई की खबर सुनकर खुश नहीं हुए? जेल साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपके साये में यहां रहकर मैंने जेल को कभी जेल महसूस नहीं किया। लेकिन क्या दुनिया वालों के सीनों में भी आप ही जैसा दिल है? वो भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक करेंगे? जेल साहब, मैंने यहां 10 साल गुजारे हैं, मेरी जिंदगी के दामन पर खून और गहरे दाग है। क्या दुनिया मुझसे नफरत नहीं करेगी? नहीं शंकर, नफरत से नफरत मुझे, प्यार से प्यार। किसी से नफरत न कर, तुम्हारे अंदर जो इंसान जाग रहा है उसे नफरत की भेंट में चढ़ा देना। एक अच्छे शहरी बन, लोगों से प्यार और मोहब्बत से रहो। याद रखो मोहब्बत, मैं आपकी इस नसीहत को हमेशा याद रखूंगा। देखो शंकर, इंसान की जिंदगी में कभी ऐसा मौका आता है कि वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, सोचता है मेरे साथ कोई भी नहीं। ये उसकी भूल है, उसका भगवान हमेशा उसके साथ होता है। देखो ये तुम्हारा अलाउंस है, और ये तस्वीर है तुम्हारी तुम्हारी दीदी के साथ। जाओ तुम अपने साथियों से मिला। बहुत अच्छा। मुझे छुट्टी मिल गई। छुट्टी हो गई? हाँ चाचा, जेल साहब ने मेरी सिफारिश की थी ना, वो मंजूर हो गई। या अल्लाह, जाओ शंकर, खुदा तुम्हें खुश रखे। अच्छा चाचा, खुदा हाफिज़। अच्छा बिहारी, खुदा हाफिज़। जा रहे हो शंकर? जाओ, लेकिन इतना याद रखो, जो चैन तुम्हें यहाँ था तो बाहर कहीं नसीब नहीं होगा। अरे ये तो पागल हो गया है। जाओ शंकर, खुदा तुम्हारा निगहबान रहे। क्यों भाइयों? आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया, आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया, फिर नई मस्तियाँ साथ लेकर मुस्कुराते नजारों में आया, आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। आज दुनिया जवां हो गई है, जिंदगी मेहरबान हो गई है, दुनिया जवां हो गई है, जिंदगी मेहरबान हो गई है। ऐ बहारों तुम्हारी कहानी अब मेरी दास्ता हो गई है, अब मेरी दास्ता हो गई है। मिल गई फिर मुझे मेरी मंजिल,
यादगारों में आया, मैं हंसी यादगारों में आया, आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। आज की बेखुदी क्या बताऊं, नगमाए जिंदगी क्या सुनाऊं, आज की बेखुदी क्या बताऊं, नगमाए जिंदगी क्या सुनाऊं, ये बहारे ये गुंचे ये कलियां, इनसे अपनी खुशी क्या छुपाऊं, इनसे अपनी खुशी क्या छुपाऊं, जो मेरा राज दिल जानते हैं, मैं उन्हीं राजदारों में आया, मैं उन्हीं राजदारों में आया, आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया, फिर नई मस्तियाँ साथ लेकर मुस्कुराते नजारों में आया, आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। ये कपड़े तो हो गए, और क्या चाहिए आपको? बस एक साड़ी और चाहिए। हाँ हाँ, एक नायलॉन की लेटेस्ट फैशन की साड़ी निकालो, लाओ जल्दी लाओ, वो देखो सामने पड़ी है, लाना इसी बुलाओ इसी बुलाओ, ये देखिए साहब ये। हाँ जी ये साड़ी है, इसमें तो सब कुछ दिखता है। मालूम होता है आप नए नए शहर में आए हुए हैं। अजी साहब ये तो लेटेस्ट फैशन है, आजकल औरतों को ऐसे ही कपड़े पसंद आते हैं, आप बिल्कुल वैसे करेंगे, मेरी जिम्मेदारी पे ले जाइए। अच्छा दे दीजिए, और कुछ? अजी और कुछ नहीं, बिल बनाओ। गोपाल जी ये लो कपड़े बांध दो, लगी तो नहीं, लो भाई साहब ये भी बांध दीजिए। अच्छा जी बांधो, बराबर है जी। हाँ ठीक है, ऐसे उधार दे दीजिए जी, बहुत अच्छा। मेरा सामान बन गया जी? मेरा सामान बन गया? आ, बन गया। हाँ ये लीजिए बेटी, और कुछ चाहिए? जी नहीं कुछ नहीं। हाँ आज रात का सुनिया है ना? हाँ जरूर आऊंगा, अरे मैंने टिकट खरीदा है बेटी, जरूर आएंगे। हाँ जरूर आऊंगा जी, मैं भी आऊंगा। भाई साहब ये भी मेरे सामान में बांध दीजिए। अच्छी बात जी, ये सामान किसका है? आपका नहीं है जी? नहीं वो जो जल्दी जल्दी नहीं थी ना मैम साहब, वो ले गई है। वो लेके चली गई, तुम निहाल बदतमीज हो, निहाल नालायक हो, औरतों का सामान मर्दों को दे देती हो और मर्दों का सामान औरतों को दे देती हो। साहब माफ कीजिएगा, आपका सामान गुम नहीं होगा, वो नजदीकी रहती है, तुम अभी इसी वक्त हाथ कर जाकर साहब का सामान वापस ला करके दो। जाता जी जल्दी जाओ, भाई मुंह क्या देखते हो? जमीन के साथ चला जाता, ठीक है देखिए माँ माफ कीजिएगा, तुम निहाल कर दो। बाबू शिव इधर जाते, अंदर जाता है, जालिम का बच्चे अंबार करे तुम अंदर जाते, ये छोकरे लोगों का उसके लिए मर जाना मन है। तो खान साहब बात यूँ है कि वो अंदर शोभा देवी को मिलना है। तो खुद इलादर ऐसा बोलो, हम अंदर जाएगा, बड़ा मिनसर की इजाजत लेगा, वो इजाजत देगा पीछे आपको अंदर लेगा। चला इधर रुक जाओ, तुम भी इधर रुक जाओ।
हम पूछ के आते, चलो ने कितनी जोर से पकड़ा है। नमस्ते जी। नमस्ते, आप कुछ रेली फंड के लिए देंगे? लीजिए लीजिए, आपके पास तो होगा। देखिए नेक काम के लिए कुछ देना ही चाहिए, ये लीजिए। देखिए अगर आपको और चंदा चाहिए तो आप मेरे साथ मेरी दुकान पे चलिएगा, मैं आपको खूब चंदा दिलवाऊंगा, मेरे सेठ जी बहुत दयालु हैं। चलिएगा तो आइए आइए। वो भाई साहब इसका क्या हुआ? या पक्षी देखिए, लाला अंदर गया ना, वो आप भी आएगा, आपको अंदर ले जाएगा, आप पैकेट बदलवा लीजिएगा। ये जरा चंदे का मामला है, आइए आइए। बाबू से चलो बुलाते हैं, चलो भाई चलो। हाँ ले तो, हाँ कितना अच्छा है देखो ना, हाँ बहुत खूबसूरत है। तुम तो कहती थी कि तुम्हें तुम्हारी माजी लेने आएगी, उधर से खूबसूरत लड़का आया हुआ है। खूबसूरत लड़का? ओह सुंदर होगा। अरे हाय बहुत सुंदर है, जब मुड़कर देखा तो ऐसे लगा जैसे चांद निकल आया। आज भी तुमने खूब ढूंढा। आदमी होगा तुम्हारा, मेरा तो नौकर है। नौकर ऐसे नहीं हुआ करते, हमसे छुपाती हो क्या? बकती बकती नहीं, सच कहती है, खुद चल कर देखो। हाँ चल कर देख लो ना, चलो चलो। शुभा देवी कौन है? जी मैं हूँ। माफ कीजिएगा, मेरा सामान आपके साथ बदल गया है। सामान? जी हाँ, दुकानदार ने गलती से बदल दिया, उसका आदमी मेरे साथ आया था लेकिन जल्दी में था इसलिए चला गया। आप अपना सामान देख लीजिए। ये देखिए। जी हाँ ये मेरा ही सामान है। मैं आपका सामान अभी अरे वाह वाह वाह, क्या कोइंसिडेंस है, सामान भी बदला तो कॉलेज के सबसे अच्छे लड़की के साथ। और कोई नहीं मिला क्या? इतना अच्छा होता अगर ये सामान तुम्हारे साथ बदलता। मैं तो इनकी समझदारी की तारीफ करती हूँ, मिलने का बहाना बहुत अच्छा ढूंढा। ये लीजिए आपका सामान। शुक्रिया। आपको सामान एक ही शर्त पे मिल सकता है। शर्त? जी हाँ, अगर आप रात को शोभा देवी का नाच देखने आए थे। नाच? जी हाँ, विधवा आश्रम के लिए हम लोग एक चैरिटी शो कर रहे हैं, अगर आप तशरीफ लाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं जरूर आऊंगा। लेकिन हुजूर फी पास बंद है, आपको एक टिकट लेनी होगी। दे दीजिए। कितने पैसे दें? सिर्फ 10 रुपए। जी लीजिए, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। जाए
नमस्ते जी। नमस्ते। आप और यहाँ? जी, मैं और मेरी माँ तीर्थ यात्रा के लिए काशी जा रहे हैं। और आप? जी, मैं बक्सर जा रहा हूँ। अच्छा, आए माँ। अच्छा, क्या है माँ जी, शहर में पढ़ाई के साथ साथ भगवान का नाम भी लेती थी या नहीं? क्यों नहीं माँ जी, पढ़ाई लिखाई का ये मतलब तो नहीं कि इंसान भगवान का नाम ही ना ले। मगर माँ जी, सुना है आजकल भगवान ने शहर छोड़ दिया है, उनका ज्यादा नाम गांव में लिया जाता है। अपना काम कर, बहुत बोलता है। हाँ बेटे, और भी लगती है। ए, शिव जी बच्चे को सही तो मैं क्या करूं, ठीक से लोग भगवान का नाम भी नहीं लेने देते। लो बहन, बच्चे को कपड़ा दे। भगवान आपका भला करे भाई। वाह भगवान, अजीब लीला है तेरी, माला कहीं घूमती है, तेरा नाम कहीं घूमता है। ए, माफ करना सेठ जी। अब किसी के सर पर रखती हो इसे, गोद में रखो ना। गोद रखूं? टिकट लिया है? हाय, टिकट लिया है तो किस पर एहसान किया है, यहाँ कौन मुफ्त बैठा है?
पैदा कर लेती है, संभालना जानती नहीं। तुमसे नहीं संभलते होंगे, बांझ होगी बांझ। अरे मैं क्यों बांझ होने लगी, बांझ होएगी तू। मेरे तो 12 हैं, 12 12 हैं। 12 होते तो बच्चों का दर्द जानती, दूसरों को लेके पाल रखे होंगे। क्या कहा, दूसरों के जबान खींच लूंगी। अरे जा जा, बड़ी आई जबान खींचने वाली। क्या कहा कमीनी, अभी बताती। ये बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा अभी वो बिल्कुल ठीक है, जाइए आप भी कपड़े धुला लीजिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। जाइए जाइए। मुझे किसने बचाया? वो बाहर है माँ, आज अगर वो ना होते तो न जाने क्या हो जाता। जरा बुलाना बेटी उसे, मैं भी तो देखूं मेरी जान बचाने वाला कौन है। बेटी क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी शंकर। गुण भी भगवान जी। आज तुमने मेरी जान बचा कर जो तुम मुझ पर किया, मैं जिंदगी भर में। ऐसा क्यों कहती हैं आप, ये तो मेरा फर्ज था। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। कहाँ? बक्सर। बक्सर? जी हाँ, बक्सर में मेरी बहन रहती है। मैं भी अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। और माता पिता? जी वो नहीं। भगवान खेल भी निराले, किसी का कुछ छीन लेता है और कुछ। कहते हैं जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तुम शंकर जी मेरा बेटा बनोगे। ये तो मेरा भाग्य है माँ जी। अरे बेटे तुम्हारे हाथ कितने ठंडे, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं माँ जी, लो ये शॉल ओढ़ लो। रहने दीजिए माँ जी। ओढ़ लो बेटे, माँ की ममता स्वीकार नहीं करोगे। लो ओढ़ लो, ओढ़ लो। Thank you.
बात। आप अभी तक सोई नहीं? जी नहीं, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। जी तकलीफ कैसे, मुझे तो ये सफर हमेशा याद रहेगा। मैं भी कभी नहीं भूल सकूंगी। आपने माजी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए। अरसा हुआ माँ बाप का प्यार मिट चुका था, फिर से इस तरह मुझे माँ की ममता मिली, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। भगवान के खेल बहुत निराले होते हैं शंकर बाबू। देखिए ना, तीरथ से पहले माँ को तीरथ का फल मिल गया, नई जिंदगी मिली और मुझे आपको। मुझे भी बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ।
तस्वीर नहीं लेंगे? आप चाहें तो दे दीजिए। तस्वीर का कुछ हिस्सा मैंने अपने पास रख लिया है, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। भैया
रो मत। देखो रोकियो, देखो मैं कह रही हूँ, देखो तुम्हारे मामा आ गए हैं सो अभी तुम मामा। भैया ये आशा है। आशा तू इतनी बड़ी हो गई है। आशा ने तुम्हें पहचानी नहीं, कह रही थी कोई आदमी इशारे से बुला रहा है। कैसे पहचानती दीदी, इतनी शुद्ध थी जब इसने मुझे देखा था। और अब देख रही जब दुनिया ही बदल गई। अच्छा चलो भैया चला चलो चल। अच्छा ना तुम ला बहुत भारी है ना। तुम भी बैठो ना, अपने तो ही बैठ जाए। भैया ये फूल जैसे हाथ मेरी वजह से क्या हो गए भैया। बस दीदी बस, ये हाथ अपना कर्ज लौटा चुके थे, अब तो जिंदगी में सब कुछ है, तुम हो, मम्मी है, फूल जैसे बच्चे हैं, तुम्हारा ये भरा हुआ घर मेरे लिए कितने सुख की बात है। भैया ये सुख मुझे बहुत महंगा मिला है। मामा ये बहुत भारी है, इसमें क्या है? बेटा इसमें तुम लोगों के लिए बहुत सी चीजें हैं। दिखाओ लो। निकालो निकालो। ये तुम लोगों के लिए खिलौने, ये तुम लोगों के लिए कपड़े। अरे वाह इतने अच्छे हैं ना। इतने अच्छे हैं मुन्नी, ये तुम्हारे लिए। और दीदी ये साड़ी तुम्हारे लिए। भैया इसकी क्या जरूरत थी? दीदी मैं तो कुछ जानता नहीं, दुकानदार कहता था आजकल ऐसे ही कपड़ों का फैशन। ये जीजा जी के लिए। भैया ये शाल किसके लिए है? मुन्नी ये मेरे लिए है। ये तो औरतों का है भैया। हाँ मुन्नी ये मुझे माँ ने दिया है। माँ? कौन माँ? दीदी जिस जहाज में सफर कर रहा था ना वो उसी में थे, बेचारी अचानक पानी में गिर गई, मैंने उनकी जान बचाई, उन्होंने मुझे अपना बेटा बना दिया। ये मेरा भाई है शंकर। ये तो मुझे बच्चों ने पहले ही बता दिया। कब आए आप? अभी आए। कमाल है आने की खबर ही नहीं थी, वरना हम लोग तुम्हें लेने स्टेशन जाते। जी मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगा। तुम खड़े क्यों, बैठो ना। बैठो हाँ बैठा जाए, बैठो ना। हाँ बैठी ना। हाँ मैं बैठता हूँ। वो कैसे आए? जी मैं जहाज से आया। पानी के जहाज से? जी हाँ। तो पानी के जहाज से तो अफ्रीका जाते बहुत दिन लगे होंगे। जी आप पहले कपड़े बदल लीजिए ना, फिर आराम से बातें करेंगे। अच्छा अच्छा माफ करना, जरा कपड़े बदल के आता हूँ। आशा इनके लिए चाय बना। जी अभी लाए। ये अफ्रीका क्या है? मैंने इनसे यही कहा है भैया, ये न बता सके कि तुम जेल गए हो। लेकिन ऐसा क्यों? जिंदगी का दाग छुपाने के लिए। मैं समझा नहीं दीदी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप अपना मुल्क छोड़कर अफ्रीका कैसे चले? जी एक तकदीर वहां मुझे ले गई। अच्छा अच्छा आओ बैठ। सुना है कि अफ्रीका में लोग काफी सुखी हैं। जी हाँ लेकिन मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, गरीब आदमी हूँ बस जिंदगी के दिन पूरे करता। अरे भाई गरीब तो मैं भी बहुत था, लेकिन जिस दिन से ये मेरे घर आई हैं मेरी तो बस किस्मत ही बदल गई। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत।
तुम इतना ऐसा बाहर रहे, ना तुमने बहनों की खबर दी, ना कोई खत लिखा। जी माफी चाहते। चाय तैयार है। आते हैं, चलो चाय। चलो वैसे आप आए अच्छे मौके पर। आशा त्यानी हो गई है। हम लोग इसकी शादी की बहुत फिक्र कर रहे हैं। दो एक लड़के मेरी नजर में हैं, अब जल्दी इसके हाथ गीले कर देंगे। तो चाय पियो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जानती हूँ भैया, लेकिन जीने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। ये तुम कह रही हो? हाँ, तुम नहीं जानते भैया, जब तुम जेल चले गए तो दुनिया ने मेरे साथ क्या क्या सलूक किया। जिधर आंख उठाकर देखती थी, नफरत ही नफरत नजर आती थी। लोग मुझे खूनी की बहन कहकर पुकारते, ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए। आखिर मजबूर होकर मुझे कॉलेज की नौकरी, अपना घर, अपना शहर सब कुछ छोड़ना पड़ा। इनके दफ्तर में नौकरी के लिए ऐसे समय पहुंचे जब मुझे और आशा को दो दिन से रोटी भी नसीब नहीं हुई। इनको हम पर दया आ गई, इन्होंने मुझे अपना लिया। भैया, इतने ठोकरे खाने के बाद मुझे एक सहारा मिला था, इसलिए डरती थी कि सच कहने से कहीं सहारा भी न छिन जाए। भैया भैया, मैं जानती हूँ कि मैं झूठ बोलकर एक बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ। इस पाप के लिए मुझे क्षमा करना भैया। दीदी, आंख से टपके हुए आंसू को मोती कहने से क्या फायदा? आंख से टपका हुआ आंसू तो दुनिया देख लेती, लेकिन दिल में उमड़ता हुआ तूफान कोई नहीं देखता। ये ठीक है दीदी, लेकिन अगर जीजा जी को पता चल गया तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? उनको कभी नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। अरे तुम फिर यहाँ? चलो चलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। दीदी, मैं बार बार इनको सुलाती हूँ, ये बार बार भाग कर चले आते हैं। कहते हैं कि मामा के साथ सोएंगे। तुम क्यों नहीं सोते? हम मामा के साथ सोएंगे। देखो बेटे, मामा बहुत थके हैं, उनका आराम करने दो। हाँ, नहीं, रहे दो दीदी। भैया, तुमको बहुत तंग करेंगे, आराम से सोने के नहीं देंगे तुमको। दीदी, इन मासूमों की याद में मैंने सैकड़ों रातें जाग जाती गुजारी, इन्हें मेरे पास रखी। अच्छा, देखो लेकिन मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना। बिल्कुल नहीं ना। तुम जाओ दीदी, चलो चलो सो जाएंगे। हैं टिंकू, तुम सो जाओ उधर। अच्छा। और टिंकू सोएगा इधर, और मामा भी चलेंगे। चलेगा, चलेगा। चलो बेटा सो जाते हैं। आ जाओ मेरा राजा बेटा, आ जा मेरा छोना बेटा। मामा, इसको साथ मत सुलाना। क्यों रे? रात को है ना, सोते सोते ना सुसु कर देता है। अच्छा। मामा, ये है ना, टूटू बन जाता है, ऊपर से मेरा नाम लगाता है। अच्छा, ये बोल बदमाश है। अच्छा बेटा देखो, आज रात को तुम दोनों ना टूटू करना, ना किसी का नाम लगाना। अच्छा, अच्छा? चलो छोड़ो। मामा बहुत अल्दी लगती है। अच्छा बेटा, मैं कंबल देता हूँ, ठहर जा, ठहर जा।
मम्मी तुर्कों की फौज फिर से आ गई। तू कुछ बोलना बता है? मत करो, मामा की तबीयत खराब है। मामा की तबीयत खराब है? हाँ बहुत खराब है। तो मामा की तबीयत ठीक कर दो। हाँ ठीक कर दो। चलो अरे मम्मी आज तुझे बहुत शरीफों की तरह चलेंगे। अरे भैया मुझे तो लगता है ये कुछ और ही गुल खिलाने वाले हैं। बहुत शैतान। अरे भैया आगे आगे अभी देखता हूँ तो ठीक हो जाएगा। जिस जोर जोर से धड़क रहा है। क्यों क्या हाल है डॉक्टर साहब? ज्यादा बुखार तो नहीं है? कुछ खास नहीं है, सिर्फ क्या तो दिख बुखार है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। अभी घबराओ घबराओ सब ठीक हो जाएगा। उल्टा चोर को बोलते हैं मत घबराओ मत घबराओ बोलो। तबीयत खराब है। सॉरी डॉक्टर साहब सॉरी। इट्स ऑल राइट। अरे वाह ये तो देखता भी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, काफी है टाइम करना पड़ेगा। हाँ तूने ठीक कहा डॉक्टर। अबे घनचक्कर मामा को खाना बनाएगा क्या? मामा धोते तक दीर से खुल गई वरना ये तो मेरी सेहत बना देता था। मामा हमको भूख लगी। अच्छा मेरे को भी बहुत भूख लगी। मामा ये तो मैं आया था, माजी कभी तो बुला रही है। अरे माजी तो बहुत गुस्सा करेंगे। चलो 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 डॉक्टर इधर लग गया। शाबाश शाबाश चलो चलो चलो। दीदी जीजा जी कहाँ गए? उस दिन कहा था ना आशा की शादी की बातचीत चल रही है, लड़का देखने गए हैं, आते होंगे। तू शर्माती? माजी पापा आ गए। अरे आप आ गए, आइए ना खाना तैयार है। तुम लोग खाना खाओ, मैं कोट उतार कर आता हूँ। क्या बात है, क्या जवाब दिया उन्होंने? जवाब वो क्या देंगे, जवाब हम देकर आए। क्या मतलब? कोई खास बात हुई? खास बात तो ये है कि लड़के का चाचा जेल काट कर आया। वो तो हम खुशकिस्मत थे कि वक्त पर बच गए थे, वरना गजब हो जाता। ठीक क्या इनकार कर दिया? जी लेकिन उसमें लड़की का क्या दोष है? तुम्हारा तो दिमाग खराब है। अच्छा तुम्हारी बहन है लेकिन मैंने भी इसे बच्ची की तरह पाला है, जानबूझकर कुएं में नहीं धकेल सकता। और फिर ये बातें तो ऐसी हैं कि खून में रह जाती है। क्यों शंकर? आप खाते क्यों नहीं? ओहो आपको चिंता करते हैं, मेरी नजर में एक और लड़का है वो भी बहुत अच्छा है, मैं जल्दी बात पक्की कर लूंगा। आप घबराइए नहीं, खाना खाइए खाइए ना। जी बस मैं खा चुका। उषा उषा तुम कहाँ चली? खाना खाओ ना। लड़के का चाचा जेल काट कर आया, लड़के का चाचा जेल काट कर आया, और फिर ये बातें तो ऐसी हैं कि खून में रह जाती, और फिर ये बातें तो ऐसी हैं कि खून में रह जाती। अरे गली का मरने का या? कोई? शंकर? अरे बेटा शंकर, शंकर, बहुत अच्छा हुआ बेटा तुम मिल गया। मैं अभी अभी शोभा से कह रही थी कि घर चलते ही शंकर को बुला लूंगी। क्यों शोभा है ना? हाँ बेटा बैठ घर से मिलने। अरे बैठ जा, अरे बैठ बेटा, आ आ जा। शोभा आओ माजी। क्या
कौन है? अरे माँ जी पाए लागू माँ जी कैसी है सुंदरी? अच्छी हूँ माँ जी। मालकिन बड़ी मालकिन आई है। दुर्गा दीदी दीदी तुम आ गई। अरे शोभा अरे ये कितनी बड़ी हो गई। आओ दीदी आओ बैठो आओ बेटा आओ बैठो। हाँ दीदी इनको नहीं पहचाना? ये मेरा बेटा है। नमस्ते। नमस्ते बैठो। दुर्गा अगर ये ना होता तो तुम आज मुझे देख ना पाए। क्या कह रही हो दीदी? हाँ दीदी इसने मुझे दूसरी जिंदगी दी। चैन से बैठूंगी तो पूरा किस्सा सुनाऊंगी। अरे सुंदर क्या हुआ? सुंदरी जा इसे मदद कर। कहीं लगी तो नहीं? सुंदरी सुंदर अल्लाह समा चलो उसको चलो था क्या है सुंदरी तुम तो वैसी की वैसी हो। कौन वैसी की वैसी? पहले से कितनी दुबली हो गई। दुबली होने पर ये हाल है मोटी होगी तो कितनी खूबसूरत लगती होगी। दुर्गा ये तुम्हारे ही शहर में रहता है? अच्छा हाँ कहाँ रहते हो बेटा? ये जमुना गली में मेरी बहन वहाँ रहती। अच्छा अच्छा जब से वो गए मैं कहीं आती जाती नहीं। अब तो आप भले और घर भला। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को मंगाती हूँ। सुंदरी माता सुंदरी आए मालकिन क्या है मालकिन? इनके लिए शरबत ले आ अभी लाई। दीदी इतने इतने दिनों के बाद आती हो तुम्हें बहन की याद नहीं आती? मैं अकेली पड़ी तुम लोगों की याद करती हूँ। तुम भी कैसी बातें करती हो मौसी। तुझे क्या पता दुर्गा तुझे मिलने के लिए हमारा दिल कितना तड़पता रहता है। ले देकर एक बहन तो रह गई हूँ मैं बहन तो कैसे भूल सकती। अच्छा मौसी मैं भी आई। लीजिए माँ जी शरबत पीजिए ठंडा ठंडा। सुन रहे लो बेटा जी पियो लो दीदी। अच्छा माँ जी मैं चलूं। अरे बैठो बेटा ऐसे जल्दी क्या है? फिर कभी आऊंगा माँ जी। फिर कभी क्यों? मैं जब तक यहाँ हूँ रोज आना पड़ेगा। अच्छा रोज आऊंगा। और अपने बहन को भी लाना। हाँ बेटा जरूर लाना मैं भी उनसे मिल लूंगी। जी लाऊंगा। अच्छा नमस्ते। अच्छा जी तेरा दीदी लड़का अच्छा है बहुत अच्छा है। आप कल आ रहे हैं ना? मैं आपका इंतजार करूंगी। ऐसा मत करो दीदी ऐसा मत करो। मैं नहीं जाऊंगा। भगवान भगवान मेरी तौबा भगवान तौबा मैं जाता हूँ। भगवान भगवान सुंदर तो फिर मैं क्या करती? छोटे पत्थर से तो तुम जागे नहीं इसलिए मैंने जरा बड़ा पत्थर मार दिया। जरा बड़ा पत्थर मार दिया? अरे अभी तुम बड़े बड़े पत्थर मार रही हो शादी के बाद तो तुम बम मारोगी। शादी कब होगी हमारी शादी? हो जाएगी जल्दी हो जाएगी। तुम अपनी मालकिन से बात करो ना। तो तुम अपनी मालकिन से क्यों नहीं कहती? तुम भी क्या बात करते हो? मैं कुंवारी लड़की मुझे शर्म आती है। मैं भी तो कुंवारा लड़का हूँ तुम मुझे बेशर्म क्यों समझती हो?
कोई तरकीब सोचो ना। मैं तरकीब सोचूं? आ गई आ गई आ गई सुनो सुनो क्यों हंस रही है दीदी? इसमें हंसने की क्या बात है? मैं भी तो जवान हूँ, मेरे सीने में भी तो दिल है और वो भी दूसरों से बड़ा। वो तुम्हें देख ही रही हूँ। सुंदर से भी पूछा है? ये भी कोई पूछने की बात है दीदी? उन्होंने तो मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन सुंदरी, हाँ, बराबर की जोड़ी हमेशा अच्छी मालूम होती है। हाँ। तू ये और वो बेचारा ये, इससे क्या होता है दीदी? शादी के बाद ठीक हो जाएगी। अच्छी बात, तो अभी जा मौका देखो, मैं माँ से बात करूंगी। मौका कब देखोगी दीदी? अभी चलो ना बात करो। लेकिन पगली, अच्छी बात के लिए हमेशा अच्छे मौके की जरूरत होती है, समझी? समझ गई। अब तू जा। जाऊं? जा दीदी, मेरा काम हो जाएगा ना? कहाँ ना हो जाएगा, धीरे से बोलो दीदी। ठीक है, अब तू जा। जाऊं? अच्छा दीदी, दीदी मेरा काम हो जाएगा। अच्छी बातों के लिए हमेशा अच्छे मौके की जरूरत होती। अरे हाँ, हम कितनी देर से साथ साथ चल रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली चल रही हूँ। आप इतने चुप चुप क्या रहते हैं? तुमने भी तो कोई बात नहीं की। मैं तो आपके लिए सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि आप कितने अच्छे आदमी हैं। मैं बुरा भी तो हो सकता हूँ, मेरी गुजरी हुई जिंदगी। आप भी दुनिया के लोगों की तरह गुजरी हुई बातें सोचा करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुजरा हुआ जमाना मरे हुए लोगों की तरह खत्म हो जाता है। लेकिन शोभा, फिर भी तुम्हें इतना तो जानना चाहिए कि मैं कौन था, क्या हूँ। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि आपके तन पर एक कपड़ा था, वो भी आपने एक दुखी औरत को दे दिया। यही कि अगर आप ना होते तो मेरी माँ को डूबने से कोई ना बचा सकता। अगर इसके अलावा भी आपकी गुजरी हुई जिंदगी में कुछ बातें हैं तो मैं उसे नहीं जानना चाहती। लेकिन शोभा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं। शंकर बाबू, वे आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। शोभा, शंकर बाबू, मैंने पूजा के समय शंकर रूप में आपको देखा है। लेकिन उनके गले में पड़े हुए जहरीले नाक को तुमने नहीं देखा। मैंने उनकी जटा से निकलती हुई पवित्र गंगा देखी, जो शांति और मुक्ति देती है। शोभा, काश उस किनारे जलती हुई चिताओं को भी तुमने देखा होता। Thank you.
चली जाऊं। इतनी जल्दी क्या है दीदी, जब आई हो तो कुछ दिन ठहरो ना। दुर्गा, इस वक्त तो मैं शोभा की मन्नत पूरी करने आई थी, तो जल्दी चली आऊंगी, अब जाना बहुत जरूरी है। तो शोभा को कुछ दिन मेरे पास रखो, मेरा और है भी कौन, वो मेरी भी लड़की है, उससे मेरा भी अधिकार है। हाँ, वो चार दिन मेरे पास रहेगी। चाहो तो रख लो चार। चलो 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 चलो, संभल के। अच्छा, मेरी तरफ से अपनी बहन से माफी मांग लेना, मैं उनसे मिल न सकी। अच्छा माँ। नमस्ते माँ। अच्छा माँ, जीती रहो बेटी। दीदी, ये शोभा देवी है जिन्होंने मुझे शाल दी थी ना, ये उन्हीं की बेटी है। अच्छा, आइए ना, आइए। तो मामा। आ बेटा। तो पितो। हाँ बाय। बैठे ना। भैया हमेशा आपका जिक्र किया करते हैं। हाँ, बहुत जिक्र। मेरा नाम टिंकू। मेरा नाम टिंकू। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, इधर आइए। हाँ, बैठ बैठ। कितने प्यारे बच्चे हैं। भैया कह रहे थे कि आप तेरे दिन की। जी हाँ। कब वापस आए? चार दिन हो गए। चार दिन हो गए? जी। भैया ने मुझे बताया नहीं। और माता जी कहाँ हैं? वो तो आज ही गाँव चले गए, और मौसी ने मुझे रोक लिया। गाँव चले गए? मैं उनसे बहुत मिलना चाहती थी। वो तो खुद ही आपसे मिलने के लिए कह रही थी, लेकिन घर अकेला था इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ा। ओ, अच्छा। आशा, जरा यहाँ उतर। ये मेरी छोटी बहन है आशा, आप हैं शोभा जी। बैठो। आशा, इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आना। इसकी क्या जरूरत है दीदी? क्यों जरूरत है? जाओ आशा। तकलीफ कर रही है। इसमें कहीं की तकलीफ? यहाँ बैठो। अरे शाबाश।
नहीं बेटे तुम खाओ। थोड़ा खाइए 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 ना खाइए ना। तुम भी खाओ। हम तो लोग लोग खाते हैं। अच्छा लोग लोग खाते हैं फिर भी लो। बहुत अच्छे हो। हाँ पापा भी यही कहते हैं। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? माँ जी मेरे पापा कहाँ हैं? अब भी आते होंगे बेटा। दरअसल आशा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, उनको लाने को गए हैं। अरे वो लोग शायद आ गए। आशा तुम अंदर जा। अच्छा दीदी अब मैं चलती हूँ। क्यों बैठी है ना? मैंने घर देख लिया फिर कभी आऊंगी। लेकिन आज आपने तो कुछ खाया ही नहीं। फिर जब आऊंगी तो ढेर सारे खाऊंगी। अच्छा अच्छा जरूर आइएगा। अच्छा नमस्ते 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 टाटा टाटा। आइए शंकर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी मैं अभी आया। ओह अच्छा अच्छा आइए। मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे बच्चे टिंकू पिंकू। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठो आइए। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? आशा। बड़ा प्यारा नाम है। आशा इनके लिए चाहिए। लड़कियां हमें पसंद है। क्यों राज? हाँ हाँ बड़ी सुशील है। हमारे साथ सब बात पक्की। अब शादी जल्द होनी चाहिए। अरे हमारी तरफ से आज कर लीजिए। तो कराइए वो मीठा। क्यों नहीं मुंह भी मीठा कीजिए और चाय भी पीजिए। चलिए आइए आइए। अरे दीदी आई। दीदी देखो दीदी सजाने में कहीं कसर तो बाकी नहीं रखी। देखो वाह कितनी प्यारी लग रही है। इसका घूंघट गिरा दो कहीं मेरी नजर में लग जाए। चांद को नजर नहीं लगती दीदी। आज अगर इस चांद को असली चांद भी देख ले तो उसकी नजर भी झुक जाएगी।
से तैयार है तो ले आओ ना उसे। आप जरा इधर आइए। वो साहब कौन है जी? कौन? वही जो शाल उड़े हुए हैं। वो जो लड़की के भाई है। सगे भाई हैं जी? क्या नाम है उनका? शंकर। क्या काम करते हैं? अभी अभी अफ्रीका से आए हैं, वही काम करते थे। आप झूठ बोलते हैं। मैं समझा नहीं। आप कैसे समझने लगे? मैं समझाता हूँ आपको वकील साहब। जरा इन्हें समझाइए। आप लोग मेरे साथ आइए। क्यों मिस्टर शंकर, आपने मुझे पहचाना? जी आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। क्या आपने किसी नौजवान का खून नहीं किया था? क्या आपको उसके लिए 14 साल की कैद नहीं हुई थी? मिस्टर शंकर मुझे गौर से देखिए, मैं ही वो वकील हूँ जिसने आपको 14 साल के लिए सजा दिलवाई थी। तो शंकर जो ये कह रहे हैं क्या वो सच है? जवाब तो शंकर, जवाब क्यों नहीं देते? इतना बड़ा धोखा! रमेश बाबू आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सूरत देखो तो देवता जैसी, और अंदर से ये करतूत। अच्छा हुआ कि वक्त पे तुम्हारे खानदान का पता लग गया, वरना हमारी तो इज्जत खाक में मिल जाती। ये शादी नहीं हो सकती। क्या ये सच है कि तुम्हारे भाई ने इसका खून किया था? लड़की का भाई तो खूनी है, 14 बरस तो जेल काट के आया। फिर साल में पहचाना नहीं, गजब हो जाता। शक्ल भी कितना भोला लगता है। अब लड़की का क्या होगा, कौन करेगा उसकी शादी? अरे तुम्हारे मामा तो जान ले लेते। आओ बेटा, एक खूनी की बहन से रिश्ता नहीं हो सकता। चलो भाइयों। नहीं लाला जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ लाला जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। गुनाह मैंने किया था, उसकी सजा मैं भुगत चुका हूं। 10 बरस तक चक्की पीस पीस कर मैंने सोचा था मैंने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। मैं समझता था मेरे दाग धुल गए। अगर आप लोग समझते हैं कि मैं अब भी गुनहगार हूं तो मुझे और सजा दे लीजिए, मेरी जान तक ले लीजिए। मगर मेरी बहन की जिंदगी से मत खेलिए लाला जी। उसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, वो मासूम है, वो देवी है। मैं आपसे वादा करता हूँ इस शादी के बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँ, किसी को अपनी सूरत से दिखाऊंगा। मगर दया कीजिए, ये शादी मत रोकिए लाला जी। हट जाओ! एक दफा कह दिया कि खूनी की बहन से रिश्ता नहीं होगा, क्यों शर्मा जी? नहीं नहीं कभी भी नहीं। नहीं हट जाओ, कह दिया कि नहीं होगा। तीनों के पांव पर रहो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जो टाइम तुम्हें यहाँ था बाहर कहीं नसीब नहीं होगा। तुमने मुझे आगे धोखा क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने एक गरीब लड़की तुम्हें इसलिए कबूल किया था कि मैं दुनिया के सामने दलील हूँ, दुनिया मुझ पर लानत भेजे। इतना बड़ा धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने पति की इज्जत आदू खाक में मिलाकर रखी। मैंने झूठे मोती को धक्का समझकर गले का हार बनाया और वही मेरे लिए फांसी का फंदा बन गया। क्या समझा था तुम क्या निकली? हमारा भाई मेरी आस्तीन का साथ होगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खामोश क्यों हो? जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देती?
भैया। मुझे माफ कर दे बहन, मैं बड़ा बदनसीब भाई, सब कुछ करना चाहता लेकिन कुछ नहीं। रो मत, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। अब तुझे कोई खूनी की बहन नहीं कहेगा, कभी तेरी शादी नहीं रुकेगी, नहीं कभी शादी। जुल्म के तीर चले से लुट गया दिल का बाग, दुनिया ने वो जख्म दिया जो बन गया गहरा दाग। भगवान एक कुसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। भगवान एक कुसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। सारे चराग बुझ गए मैं देखता रहा, दुनिया मेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। भगवान एक कुसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। मैं तो समझ रहा था मेरे दाग धुल गए, मैं तो समझ रहा था मेरे दाग धुल गए, मेरे दाग धुल गए। होगा कुछ और खून जिगर ये पता न था, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। भगवान एक कुसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। ना बदनसीब हो कोई जहान में, मुझसा ना बदनसीब हो कोई जहान में, कोई जहान में है जो भी मिला उसी
तो दुनिया से मैं चला। क्यों बाप, मेरी वजह से मेरी बहनों की जिंदगी तबाह हो गई। तुम क्या समझते हो, मर के अपनी बहनों का भला करोगे? नहीं शंकर, ये जालिम दुनिया वाले तुम्हारे मरने के बाद इन पर और हंसेंगे, तालियां बजाएंगे। तुम इन लोगों के लिए मरना चाहते हो जो खुद मरे हुए हैं? ये दिल के अंधे किसी की आत्मा को नहीं देखते, पत्थर दिल पत्थर देखते हैं, पत्थर में छुपा हुआ सीना नहीं देखते। शंकर, आज अगर तुमने बुद्ध दिल बनकर जान दे दी तो ये हजारों शंकर को रोज मौत के घाट उतार देंगे। हजारों शंकर की बहनें इसी तरह शादी के मंडप से उठाते जाएंगे। खून के प्यासों को और मौका मत दो शंकर, और मौका मत दो। मैं क्या क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मेरे साथ चलो, मैं इन पापी लोगों से दूर बहुत दूर ले जाऊंगी, जहां तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, जहां लोग तुम्हारी आत्मा की झलकियां देखेंगे, तुम्हारी जिंदगी का साथ कोई नहीं देखेगा। शोभा, ये सब कुछ जानू भी तुम मुझसे? हाँ शंकर, पहले मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। शोभा, शंकर, जब तुम्हारा कोई नहीं होगा तो भगवान तुम्हारे साथ होगा। था तुमने माँ जी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? समय आने पर सब बता दी, माँ को बताऊंगी, दुनिया को बताऊंगी, मुन्नी की शादी मैं अपने हाथों करूंगी। शंकर,
लेकिन सब बातों का मुकाबला तुम कर सकोगी। क्यों नहीं कर सकती? अब मैं अकेली थोड़ी हूँ, तुम चले क्या, तुम मेरा साथ नहीं दो? दीदी नमस्ते। मुझे हर वक्त एक ही गम खाया जा रहा था कि मेरे जेल आने के बाद तुम पे क्या गुजरी होगी, लेकिन सच मानो तुम्हारे खत से ये जानकर एक देवता समान आदमी ने तुमसे शादी कर ली है, मुझे जेल का दुख दुख नहीं लगता। इस सजा से मेरी जिंदगी पर एक गहरा दाग तो जरूर लग गया है, लेकिन बहन की इज्जत भाई को कितनी प्यारी होती है, काश इसे कानून भी महसूस कर सकता। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मेरे जीजा जी को मेरी उम्र की लग जाए। बहन, ये जेल की दीवारें अगर रास्ता रोकी ना होती तो उस देवता के चरणों पर अपना सर रख देता। दीदी, आज मैं अपने आप को कितना खुशनसीब समझ रहा हूँ कि भगवान ने मुझे चांद जैसा भाजा दिया है। ये पढ़कर दिल भर आया कि जीजा जी ने 3 दिन बिना खाए पिए तुम्हारी सेवा में गुजार दिए। इतने अच्छे हैं वो। सच दीदी, वो तो देवता है। आशा को आशीर्वाद। मुन्ने को चांद से भी दूर मामा की तरफ से बहुत बहुत प्यार। नहीं उषा, भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो।
शोभा लो प्रसाद खा लो। नहीं पूजा के पास। अरे पूजा तो होगी। मेरे देवता की पूजा बाकी है। मैं समझा नहीं। एक और लो बेटा। नहीं मैं बहुत खा चुका हूँ। आप तो बहुत ही कम खाते हैं। कम खाता हूँ, कितना तो खा लिया हूँ। अरे नहीं ये क्या बेटा? जी ये वो। अरे नहीं नौकर रख देंगे बेटा। चलो बेटा इनके हाथ लगा। बात बेटे तो जरा पान बोला। माँ जी पान तो आज घर में नहीं है शायद, ऊपर वाले कमरे में है। जा ऊपर वाले कमरे में, वहाँ पान कैसे होंगे माँ जी? तू तो जाके देख तो सही, देखेगी तो पता चलेगा ना। जा। अच्छा माँ जा। जी इस शोभा ही मेरी जिंदगी का एक सहारा है। मैं अक्सर सोचा करती हूँ कि जब शोभा अपने घर से भी जाएगी तो मैं अकेली क्या करूँ, घबरा कर मर जाऊँ। लेकिन बेटा जब से तुम्हें देखा है मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। बेटा शोभा को अपना बनाकर मेरा बेटा बनोगे? मुझे जवाब दो बेटा, मुझे जवाब। जो आपकी मर्जी मां जी। मेरा बेटा, अरे सुंदर, सुंदर, अरे सुंदर, ए सुंदर, अरे सुंदर, शोभा दीदी की शादी हो रही है। शादी? हाँ, शंकर बेटे के साथ। तो मालकिन का नाम तो बुला लूं, उनको किसको ले? मेरा मतलब है उस छोटी मालकिन को जिसके घर हम गए थे। अरे पगले, मैं अपनी बहन को नहीं बुलाऊंगी, सबको बुलाऊंगी, शंकर के घर वाले भी आएंगे। अच्छा तो मालकिन आज ही खत लिख दीजिए। हाँ आज ही खत लिखती हूँ, सबको खत लिखती हूँ, सबको मैं दे देती हूँ। अच्छा अरे अरे सुन लो जी, आज ही शहर जाना होगा। अच्छा तैयारियां जो करनी है सबको बुलवाना है। वो भी आएंगी, वो भी आएंगी सुंदरी। अरे शोभा बेटी की शादी है। शादी किससे है? वो जो लड़का आया था ना शंकर उसके साथ। माँ जी हम लोग भी जाएंगे ना। हाँ हाँ ये दूसरी चिट्ठी शंकर की बहन की है, ये उनको पहुंचा देना और कहना जल्दी तैयार है, हम लोग साथ ही चलेंगे। अच्छा अच्छा सब साथ जाएंगे? हाँ हाँ जाएंगे। दीदी जी दीदी जी शोभा दीदी की शादी है शंकर भैया के साथ। माँ जी ने आपके लिए चिट्ठी भेज दी है। मेरे शंकर भैया ये शादी।
के गम प्यार में जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हम। बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमीं तो जमीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हम। देखते देखते बारिश बहुत तेज हो गई। ऐसा मालूम होता है कि आज ही सब बरस जाएगी। हाँ। तुम तो एकदम भीग गए हो। तुम भी तो भीग गए हो। अंदर आ जाओ भाई, बाहर क्यों भीग रहे हो? ये मेरा घर है शंकर, रिटायर होने के बाद से मैं यही रह रहा हूँ। मगर तुम यहाँ कैसे? जी वो हम लोग बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गए। अच्छा अच्छा आओ आओ अंदर आओ ना। अंदर आओ बेटा, आइए। शंकर तुमसे मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मगर कुदरत इंसान को किस तरह मिलाती। आइए आइए बैठो, बैठिए बैठो ना। कौन है शंकर? जनु साहब, याद है आपने कहा कि जब दुनिया में मेरा कोई नहीं होगा तो भगवान मेरे साथ होगा। ये मेरे जीवन में भगवान बनकर आई जनु साहब। अच्छा, शादी हो गई? जी नहीं, होने वाली है। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी शोभा। शोभा, अच्छा बेटी तुमने पत्थरों में से हीरा चुना है। जले साहब, अगर ये ना होती तो दुनिया के थपेड़ों में डूबता डूबता न जाने में कहां चला जाता, शायद जिंदा भी ना होता। इन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया जले साहब। मुझे यकीन था शंकर, तुम्हारे प्राश्चित का फल भगवान तुम्हें जरूर देंगे। मैंने तुम्हारे शरीर में बड़ी महान आत्मा देखी थी, बादल के पीछे सूरज देखा था, और मुझे पूरा भरोसा था कि बादल से निकलकर यह सूरज जरूर चमकेगा। आप ठीक कहते हैं, मैंने भी इनकी आत्मा की कई झलकियां देखी। ये ना होते तो शायद मैं अपनी माँ को खो बैठती। तुम दोनों महान हो बेटा, मुझे उम्मीद है तुम दोनों हमेशा सुखी रहोगे। राजन,
ये है मेरा बेटा राजन, ये है शंकर, ये है शरी। रामू ला रहा है? रामू लाओ भाई, रामू लाओ 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 भाई। अच्छा बात क्या दीजिए बेटी, मगर बारिश तो अभी तक कमी नहीं, तुम लोग जाओगे कैसे? हम चले जाएंगे, नहीं तो माची बहुत परेशान है। हाँ चले साहब, अभी जा सकती। अच्छा अगर मजबूरी है तो मैं रोक नहीं सकता, तुम मेरा छाता लेते जाओ। बेटा राजन जरा मेरा छाता लाओ। जी दादी। आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि तुम लोग फिर आओ। हम जरूर आएंगे, मगर आप भी तो कभी कभी हमारे यहाँ आइए, और राजन भैया को भी साथ लेके आइए। हाँ क्यों नहीं, मगर बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर बहुत करीब है, इसी सड़क के किनारे पीली हवेली। वो पीली हवेली तुम्हारी है? वहाँ से तो मैं रोज गुजरता हूँ सुबह सैर करते करते। जरूर आऊंगा, मगर ये छाता तो लेते जाओ। आप बैठी ना, आपको तकलीफ कर रहे हैं। अरे बाहर तक तू आने दो, आओ आओ। मुझे तो जागने की आदत हो गई है। ये आदत तो मुझे भी हो गई है। जब से ये बरसातें आई है। आने वाली वापस तो नहीं आ जाती, और फिर तुम तो जानते ही हो शंकर, मैं गुजरी हुई बातों को याद नहीं करती,
चलो ना। तबीयत तो ठीक है ना? तस्वीर देख रहे थे। तस्वीर? हाँ बेटा, मेरे कलेजे के टुकड़े की अब तस्वीर ही रह गई और सब कुछ किसी जालिम ने छीन लिया। जब मैं तीर्थ यात्रा पर गई थी बेटा, तो वो अच्छा भला पड़ रहा था। मैं वापस आई, इस तस्वीर के सिवा कुछ भी नहीं। माँ, मैं अभागन तो उसका मुंह भी न देख सकती। माँ, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि गुरुजी की माता को याद मत किया करो। भूल जाओ, भूल जाओ, कैसे भूल जाऊं बेटी, मैं माँ हूँ। बस करो माँ, बस करो। पहले उनको पता चले यहां से भाग जाओ, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ शंकर, शंकर, मुस्तिल बनकर सच्चाई से भाग रहे हैं, शंकर, सच्चाई से मत भागो, मत भागो सच्चाई से, मत भागो। मैं क्या करूं? शंकर, सच्चाई और मोहब्बत की हमेशा जीत होती है। जब तुम्हारा कोई नहीं होगा तो भगवान तुम्हारे साथ होगा। बेटा, आप जल्दी उठ गए। अच्छा, लो प्रसाद लो। नहीं माँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। ये क्या कह रहा है बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता माँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारे बेटे का खूनी। मां, जिस बेटे की तस्वीर पर रोज फूल चढ़ाती हूं, उसका खून इन हाथों से हुआ था।
हाथ नहीं कांपे। तूने इतना भी नहीं सोचा कि उसके लिए कोई विधवा माँ होगी, कोई मासूम बहन होगी। चला चला जा मेरी नजरों से दूर, चला जा, चला जा। पहले मेरा बेटा मुझसे छीना, अब रूप बदल कर मेरी बेटी भी मुझसे छीनना चाहता है। इसे कहते बेटी निकल जा मेरे घर से, निकल जा, निकल जा, निकल निकल जा। बहुत अच्छा हुआ आज आप मिल गए। मेरी आपसे का आखिरी प्रार्थना है, फिर कभी किसी से मत कहना कि सच्चाई और मोहब्बत की हमेशा जीत होती है। फिर किसी कैदी की सजा कभी कम मत करवाना जेलर साहब। अगर किसी पे बहुत रहम आ जाए ना, तो उसकी यही सिफारिश करना कि उसे मौत की सजा दे दी जाए। वो सिर्फ एक मौत होगी जेलर साहब, एक मौत होगी। इंसान हजार मौतें नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। अगर वो चाहता तो सब कुछ छुपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने गुनाह की बड़ी से बड़ी सजा पा चुका है। माँ उसे मौत की सजा मत दो। अगर उसने भैया की जान ली थी तो तुम्हारी जान बचाई भी है माँ। आज अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम होंगे। फिर भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा माँ, फिर भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। तुम ठीक कह रही हो बेटी। बहन, शंकर अपनी भूल की पूरी पूरी सजा पा चुका है। मैंने 10 बरस तक उसकी आत्मा को पश्चाताप की आग में कुंदन बनते देखा है। उसे माफ कर दो बहन। आज उसे माफ नहीं किया गया तो कोई शंकर अपनी भूल पर कभी नहीं पछताएगा। कभी किसी शंकर की आत्मा पवित्र नहीं होगी। तुम देवी हो, औरत हो, औरत जीवन देती है, जीवन लेती नहीं। उठो बहन, शंकर को माफ करके औरत जाति को और महान कर दो। बलिदान की तारीख में उसे इतनी ऊंची जगह दो कि सारी दुनिया हमेशा उसके कदमों पर सर झुकाती रहे। जाओ बेटी, इससे पहले कि शंकर दुनिया की नफरत का शिकार हो जाए उसे बचा लो। जाओ
नहीं शंकर, तुम्हारी बहन की शादी मेरे बेटे से होगी। दुनिया वालों दिल में